वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि 8.95 पे ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक। देख सकते कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वोडाफोन आइडिया की 9 लेवल ही थी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते उसी के साथ ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अभी रिसेंटली देख सकते कि हल्की सी गिरावट देखने को मिले। सुबह में जो ओपन हुआ था वोडाफोन आइडिया स्टॉक प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसी के साथ ओपन हुआ था। जैसे ही ओपन हुआ स्टॉक, वहाँ पे आप देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग का सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन लेते ही यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया स्टॉक। मीन देख सकते कि ओपन होके गिरावट हो चुकी, सपोर्ट लिया फिर रजिस्ट्रेशन लिया। अभी रिसेंटली देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ही पूरे दिन ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। मीन्स मार्केट कैप जो है 28,000 करोड़ के ऊपर है। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो देख सकते स्टॉक के अंदर 24 मूवमेंट देखने को मिले। तो कोई खास न्यूज़ है क्या उसके ऊपर नजर डाली जाए? तो रिसेंटली जो न्यूज़ है उसके ऊपर नजर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई खास न्यूज़ तो वोडाफोन आइडिया के लिए देखने को नहीं मिली है आज के दिन में। मीन्स न्यूज़ तो कोई खास नहीं, पर चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे। उसके पहले देख सकते हैं वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम जो है आज के दिन का 2,62,00,000 का वॉल्यूम है। कोई खास वॉल्यूम नहीं एज कम्पेयर टू लास्ट पिछले मंथ, यहाँ पे कोई खास वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 2,357,00,000 का ट्रेडेड वैल्यू है। मीन्स टोटल बाइंग के लिए 3,25,00,000 से ज़्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है। तो सेलिंग के लिए भी तकरीबन 3,26,00,000 क्वांटिटी है। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन के ऊपर नजर डाली जाए 2,36,00,000 में से 1,43,00,000 क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। मीन्स टोटल 60-61% क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं स्टॉक के अंदर यहाँ पे टोटली यहाँ पे फिर से यहाँ पे मंथली जो प्यूट है उसका रिजिशन ले रहा है और नीचे सपोर्ट जो है वो 9 लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक पर अवॉइडिंग कर रहा है, ऊपर यहाँ पे मंथली प्यूट का रिजिशन स्ट्रॉन्ग लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट आइडिया स्टॉक के लिए।